विधानसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड कांग्रेस में अटकलों का बाजार गर्म है। आगामी चुनाव को साधने के लिए कांग्रेस जातीय समीकरण में उलझी है। जातीय समीकरण के हिसाब से प्रदेश अध्यक्ष पद में भी कांग्रेस बदलाव कर सकती है। इतना ही नहीं, कांग्रेस में नेता प्रतिपक्ष के चुनाव में अभी थोड़ा समय लग सकता है, क्योंकि पार्टी ब्राह्मण, क्षत्रिय और दलित सभी समीकरण देख रही है। उसी हिसाब से पार्टी नाम का ऐलान करेगी। फिलहाल प्रीतम सिंह प्रदेश अध्यक्ष हैं और उत्तराखंड में अगले साल चुनाव होने हैं, लिहाजा जातीय समीकरण को साधने की कोशिश कर सकती है कांग्रेस। संवाददाता सुरेंद्र डसीला हमारे साथ इस खबर पर लाइव जुड़ गए हैं। सुरेंद्र, क्या कुछ जातीय समीकरण देख सकती है कांग्रेस और कौन कौन से नाम हैं जो कि लिस्ट में आ गए हैं? देखिए चंदन, मैं आपको बताऊं, कांग्रेस के कुछ बड़े नेताओं से हमारी बात हुई, उनका ये कहना है कि अभी कुछ समय लग सकता है। पहले पंजाब में, क्योंकि हरीश रावत पंजाब के प्रभारी भी हैं, पंजाब का मामला कुछ दिनों में शांत हो सकता है। वहाँ पर लगभग चीज़ें क्लियर हो रही हैं और कुछ जैसे ही पंजाब की स्थिति साफ़ हो जाएगी उसके बाद उत्तराखंड पर चर्चा होगी। हालांकि अभी विधायकों की राय ली गई है। कल विधायकों ने प्रदेश प्रभारी के सामने ये कहा कि कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी का जो फैसला वो होगा वो सबको मंजूर होगा। ऐसा इसलिए कहा क्योंकि नेता प्रतिपक्ष में एक राय किसी की भी नहीं थी। करण मेहरा के पक्ष में प्रीतम सिंह खड़े थे, करण मेहरा थे, वो उपनेता प्रतिपक्ष हैं, उनको एक धड़ा चाहता था कि वो प्रदेश वो नेता प्रतिपक्ष बने। लेकिन कांग्रेस का ये कहना है, इसमें सिर्फ हरीश रावत ही नहीं, हरीश रावत उस बैठक में नहीं थे, प्रदेश प्रभारी का भी ये मानना है और कांग्रेस के बड़े नेताओं का भी ये मानना है कि आप दोनों ही सीटों पर क्षत्रियों को नहीं रख सकते हैं। गढ़वाल से प्रीतम सिंह आते हैं, वो क्षत्रिय हैं, और अगर कुमाऊं से भी आप क्षत्रिय को बनाएंगे तो फिर एक कहीं ना कहीं एक समीकरण को लेकर सवाल उठेंगे। ब्राह्मण और दलित का समीकरण इसमें नहीं फिट बैठता है। ऐसा इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा। जतिन प्रसाद चले गए, एक बड़ा ब्राह्मण चेहरा थे, और इसलिए दूसरे राज्य में भी ऐसी स्थिति कांग्रेस नहीं आने देगी जिससे एक गलत मैसेज जाए। तो ये समीकरण बनाया जा रहा है कि ये जातीय कॉम्बिनेशन सही बैठे, क्षेत्रीय कॉम्बिनेशन बैठे, उसके लिए प्रदेश अध्यक्ष में बदलाव करना होगा। बड़े पैमाने पर यह कहा जा रहा है कि प्रीतम सिंह को भी बदला जा सकता है। हो सकता है उनको नेता प्रतिपक्ष बनाकर किसी ब्राह्मण चेहरे को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए, ये बात अभी तक निकल के आ रही है। सूत्र ये बताते हैं कि हरीश रावत भी यही चाहते हैं और कांग्रेस आलाकमान इस बात को भी देखेगा कि आखिरकार ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों कॉम्बिनेशन आपको करने होंगे, क्योंकि भाजपा में अगर मुख्यमंत्री क्षत्रिय हैं तो ब्राह्मण प्रदेश अध्यक्ष है, प्रदेश प्रभारी दलित हैं, सह प्रभारी ओबीसी हैं, यानी भाजपा के जातीय और क्षेत्रीय समीकरण पूरी तरह से फिट बैठते हैं। तो इसलिए कांग्रेस भी ये चाहती है कि हमारे किसी भी तरह के पे कल को सवाल ना उठे किसी फैसले पर। इसलिए ये जो कश्मकश है ये लंबी हो रही है, कुछ दिन का समय लग सकता है, लेकिन ये ज़रूर है कि कांग्रेस में कुछ बड़े बदलाव होंगे, संगठन के स्तर पर होंगे, नेताओं के स्तर पर होंगे। हरीश रावत की भूमिका क्या होगी? नेता प्रतिपक्ष के देहांत के बाद हरीश रावत इस बहुत महत्वपूर्ण इसलिए हो जाते हैं क्योंकि बड़े नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, तो इसलिए ये भी पार्टी तय करेगी कि आखिरकार उनको चेहरा बनाना है, उनको चुनाव संचालन समिति का अध्यक्ष बनाना है, उनकी भूमिका क्या रहने वाली है। तो कांग्रेस आलाकमान के पाले में ये पूरी गेंद है और वहीं से ये तय होना है कि आखिरकार उत्तराखंड कांग्रेस में अब होने क्या जा रहा है। लेकिन सवाल ये चंदन, सुरेंद्र, अब चुनावी वर्ष है, चुनावी वर्ष में इस तरह का फेरबदल अगर होता है तो क्या जो कांग्रेस में पहले से गुटबाजी है उसको और बढ़ावा नहीं मिलेगा? देखिए कांग्रेस आला का ये जो बैठकें पहले हुई हैं ये इसलिए हुई हैं ताकि जो नाराजगी है वो एक स्तर पर ठहर जाए। कल विधायकों की बैठक हुई, देवेंद्र यादव जो प्रदेश प्रभारी हैं उनकी मौजूदगी में बैठक हुई, सारी चीज़ें हुई, एक राय नहीं बन पाई, इसीलिए यह तय हुआ कि आप सब लोग लिख कर देंगे और जो कांग्रेस आलाकमान यानी सोनिया गांधी तय करेंगी, सोनिया गांधी देश में अभी नहीं है तो राहुल गांधी लगभग इस चीज़ को तय करेंगे और ये फाइनल करेंगे कि उत्तराखंड में की स्थिति क्या होगी और इसके आधार पर अगर कोई फैसला होता है तो फिर वो सबको मानना होगा। ये कल बैठक में क्लियर ये बात की जा चुकी है। जहाँ तक आपने गुट की बात की, देखिए नेता प्रतिपक्ष के देहांत के बाद अब सिर्फ दो ही प्रमुख नेता हैं, एक प्रीतम सिंह है, एक हरीश रावत है। हरीश रावत का कद इतना बड़ा है कि सीधे तौर पर प्रीतम सिंह नहीं चाहेंगे कि चुनाव से पहले किसी तरह की कोई बड़ी अदावत उनके साथ की जाए, क्योंकि बड़े पैमाने पर जो विधायक हैं वो हरीश रावत के पक्ष में हैं। प्रदेश में अगर
कुमाऊं से लेकर गढ़वाल या तराई में अगर कोई कांग्रेस का सर्वमान्य नेता है तो हरीश रावत है, ये किसी से बात छिपी नहीं है। तो इसलिए आलाकमान ये चीज़ें, ये सारी चीज़ें देखने के बाद ही तय करेगा कि उत्तराखंड कांग्रेस चुनाव में जाएगी, किस आधार पर जाएगी, प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा, नेता प्रतिपक्ष कौन होगा। चंदन, ठीक है, तो आने वाले दिनों में काफ़ी बदलाव देखने को मिल सकते हैं। नेता प्रतिपक्ष का पद जो कि इंदिरा हृदयेश के निधन के बाद खाली हुआ है उस पर, और आखिरकार प्रदेश अध्यक्ष का पद क्या किसी और नेता को दिया जाएगा या फिर प्रीतम सिंह की अगुवाई में ही कांग्रेस चुनाव में जाएगी, और इन सभी समीकरणों पर कांग्रेस आलाकमान माथापच्ची कर रहा है। बहुत शुक्रिया सुरेंद्र पूरी जानकारी के लिए।